सभी को नमस्कार। मैं अमित तिवारी। दोस्तों, आप सभी के लाइफ में ऐसा महीना होगा कि उस महीने में आपको स्टैमरिंग बिल्कुल हुआ ही नहीं होगा। एक महीना, दो महीना, तीन महीना, किसी किसी को तो एक साल तक स्टैमरिंग नहीं होता। और कभी कभी ऐसा महीना आ जाता है कि हमें एक दिन भी बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक मिनट हम अपनी आवाज़ के प्रति इतने घूट घूट कर जीते हैं कि ऐसा लगता है कि पूरी लाइफ खराब हो गया, अब मैं जी नहीं सकता। बहुत सारे साथी ऐसे रहते हैं कि अपने आप को ही मारने के चक्कर में रहते हैं, आत्महत्या करने के कागार पे आ जाते हैं। वो बहुत ही चिंतित रहते हैं। ऐसा क्यों होता दोस्त? आज मैं बात करूंगा इसी के ही टॉपिक पर। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरे साथ भी ऐसा होता था। मैं तो साल दो साल बिल्कुल स्टैमरिंग किया ही नहीं, होता ही नहीं था, भूल चुका था। लेकिन लाइफ में कोई आपके घर वाले ऐसे होते हैं कि आपको बोल बोल कर आपको याद दिलवा देते हैं तुम ऐसे थे, और तुम्हें ऐसे चिढ़ाते हैं, फिर तुम्हें याद आ जाता है कि मैं ऐसा ही था। फिर आप अपने आवाज़ के प्रति सोचने लगते हैं। धीरे धीरे वही थिंकिंग फिर आपके ऊपर हावी हो जाती है, फिर एक वर्ड भी बोलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे सर्कल में हम लोग फंस चुके हैं। इस सर्कल से कैसे निकला जाए? सोचिए, बिना स्पीच थेरेपी लिए हम लोग एक महीना दो महीना बहुत ही अच्छे से बोल लेते हैं, स्टैमरिंग होता ही नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब हम अपना थॉट स्टैमरिंग पे लगाएंगे, अपनी सोच पूरा स्टैमरिंग पर फोकस करेंगे, तो स्टैमरिंग का हकलाहट का विचार जो रहता है वो उसका दायरा बढ़ते रहता है। वो हमारे लाइफ को एकदम बर्बाद कर देता है। आइए दोस्तों, इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? आखिर इस चक्रजाल से कैसे निकला जाए? बहुत ही आसान है दोस्तों। इस चक्र से हम खेल खेल में निकल सकते हैं, हंसते हुए निकल सकते हैं। बस आपको अपने लाइफ में छोटे छोटे गोल बनाना है। छोटे छोटे गोल बहुत ही बड़ा काम करते हैं। छोटे गोल का मतलब, हम छोटे छोटे गोल कैसे बनाएं? हम जब भी सुबह उठें, अपने बिस्तर फोल्ड कर दें, सेल्फ डिपेंड बन जाए, जहां हम रहते हैं अपने कमरे को एकदम नीट क्लीन कर देना है, सफाई कर देना, मतलब अपने आप को अब हम व्यस्त कर देना है, ताकि ये जो स्टैमरिंग वाला थॉट है ना, ये आए ही ना। और क्या क्या कर सकते हैं? और आप सुबह उठ करके एक्सरसाइज कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं। फिर उसके बाद मॉर्निंग वॉक करते समय आप म्यूजिक, मोटिवेशनल म्यूजिक सुन सकते हैं, या तो आपकी पसंद का कोई म्यूजिक सुन सकते हैं। और हर एक दिन आपको मोटिवेशनल फिल्म देखनी है, मोटिवेशनल मूवी देखनी है। मोटिवेशनल मूवी का नाम आप गूगल पर सर्च करिए। आखिर मोटिवेशनल जो हमें अंदर से हमारे आत्मा को जागृत कर दे, ऐसी फिल्म क्या है? आप गूगल पर सर्च करिए, बहुत सारी फिल्म आ जाएगी। आप हर दिन एक मूवी ज़रूर देखिए। मात्र इसे एक हफ्ते में ही करेंगे दोस्तों ना, आपके लाइफ में बहुत ही परिवर्तन आने वाली है, वो छोटे छोटे गोल बनाने से। जब हमारा हैबिट, जो सोचने का आदत जो है, वो चेंज हो सकता है मूवी देखने से, और सेल्फ डिपेंड बनने से, और अपने आप पर ध्यान देने से। इतनी आसान स्टेप है। और क्या कर सकते हैं? और आप क्या है कि अपने ड्रेसअप पर ध्यान दें। जब भी आप कहीं बाहर जाएं, तो अपने ड्रेस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दें। अच्छे अच्छे कपड़े पहने, साफ सुथरे ड्रेस पहने,
ड्रेस पहनने से हमारा आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है। आप सोच रहे होंगे यार ड्रेस पहनने से क्या आत्मविश्वास विकास होगा, कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होगी। दोस्तों जब आप अंडरवियर और बनियान पहनते हैं ना नया नया, जिस दिन उस दिन का फीलिंग, उस दिन का आप एटीट्यूड इतना हाई रहता है, जब अंडरवियर बनियान पहनने से हमारा एटीट्यूड फीलिंग कुछ अलग सा हो जाता है, तो मैं आपको पूरे ड्रेसअप की बात बता रहा हूँ। ड्रेस पहनने से अच्छे अच्छे बहुत इफेक्ट पड़ता है। और दोस्तों अपना जो सोचने की बुरी आदत है, जो आपने एक सोचने का बुरा पैटर्न बना लिया है अपने माइंड में, उसको चेंज करने के लिए मैं रोजाना योगा मेडिटेशन का सेशन दे रहा हूँ और लोगों को फायदा भी बहुत हो रहा है। और लोगों को मैं 7 दिन का चैलेंज देता हूँ, तो आपको ये स्टेप उठानी है, लोग वो स्टेप उठाते हैं और उनको फायदा भी होते रहता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ योगा मेडिटेशन करने का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होइए, रोजाना मेरे साथ योगा मेडिटेशन करिए। अभी जो सेशन चल रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, फ्री का फायदा उठाइए और अपने लाइफ को बेहतर बनाइए। सभी का मंगल हो।